अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिन ज़ारा ख़ान है। जैसे कि आज इन्होंने खान साहब को गोलियां मारी है और कारकुनान भी जो रहनुमा है सीनियर पीटीआई के, वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इनका क्या ख्याल है कि ये लोग गोलियां मारेंगे, ये लोग ये काम करेंगे तो हाँ पाकिस्तान की आवाम डर जाएगी? पहले तो खान साहब को अल्लाह सेहत दे और सब आवाम खान साहब के साथ है और इससे आवाम और भी निकलेगी। ये लोग समझते कि अगर हमने गोलियां मारी हम लोगों को डरा देंगे, लेकिन हम नहीं डरने वाले, हम और भी निकलेंगे और भी धरने करेंगे। और ये जो मसनद पर बैठा है शहबाज शरीफ, ना अहल है ना अहल वजीर आजम है, इसको हम मसनद से उतार के ही दम लें। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे आपको मालूम है कि आज जो वाकया हुआ है नहायत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। हमने बारहा जो है ये चीज़ बताई है कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, उसको क्रॉस ना किया जाए, लेकिन आज उसकी पहली अटैम्प्ट कर दी गई है। अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्तइल है, बहुत गम गुस्सा है अवाम में, और जितने भी ख़वातीन हैं आप यकीन करें कि मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आई हैं मुख्तलिफ ख़वातीन की कि हमारे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई है, या हम रो रहे हैं, या हम परेशान हैं कि इमरान खान साहब ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। तो जैसे उनको भी गोली लगी है और उनके साथी जो हैं वो वफादार साथी जावेद खान साहब, उनको भी गोली लगी। तो आप ये देख लें कि अभी आवाम का रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। सामने भी सबर करें ना, मैं बना दूर आया हूँ गाड़ी से बहुत।